हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं टेक ऑन टेबल। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक स्मार्टफोन कंपनी नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स की रेस में आगे रहना चाहती है। आजकल स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन की एडवर्टाइजिंग के मेन हाईलाइट को कैमरा के नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स को रखते हैं। तो क्या हमें नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स को देखकर एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए? क्या सिर्फ मेगापिक्सल्स ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्मार्टफोन कैमरा की इमेज क्वालिटी में? तो चलिए एक नज़र करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मेगापिक्सल्स होते क्या है। दोस्तों, एक मेगापिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल्स, मतलब कि 10 लाख पिक्सल्स। दोस्तों, हर एक कैमरा में सबसे पीछे लास्ट में जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं इमेज सेंसर। इस इमेज सेंसर में छोटे छोटे पिक्सल्स की अरेंजमेंट होती है। इसमें से हर एक पिक्सल्स अपने आप में कैपेबल होता है इमेज की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में। जब हम फोटो खींचते हैं तब ये पिक्सल्स उस एरिया की लाइटनिंग कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं और ये सब छोटे छोटे पिक्सल्स कंबाइन होकर एक इमेज बनाते हैं। दोस्तों, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उस इमेज की डिटेल उतनी ही ज़्यादा होगी। जब हम इमेज को जूम करेंगे तब इमेज उतनी ही क्लियर होगी। और दोस्तों, जितने ज़्यादा पिक्सल इमेज सेंसर में मौजूद होंगे उस इमेज का रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसका रिजोल्यूशन 4290x2800 होगा। ये तो बात हुई मेगापिक्सल्स की। अब बात करते हैं कैसे सब कंपनीज अपने 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा को 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा बनाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 12 एप्पल्स रखने की जगह है, लेकिन उस बॉक्स में हम 48 छोटे छोटे एप्पल्स को रखते हैं। ये छोटे छोटे 4 एप्पल पहले वाले 1 एप्पल के बराबर है। तो बॉक्स में जगह तो है 48 छोटे छोटे एप्पल्स की, लेकिन साइज़ तो पहले वाले 12 एप्पल्स जितनी ही है। वैसे ही दोस्तों, कंपनीज यहाँ पर एक पिक्सल को 4 छोटे छोटे पिक्सल में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इमेज सेंसर में 12 मेगापिक्सल्स की ही साइज़ है, लेकिन 1 मेगापिक्सल को 4 छोटे छोटे मेगापिक्सल्स में डिवाइड करके 12 मेगापिक्सल्स को 48 मेगापिक्सल्स बना देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी देती तो है 48 मेगापिक्सल्स, लेकिन साइज़ तो 12 मेगापिक्सल्स का ही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैगशिप फ़ोन्स जैसे कि आईफोन्स, गूगल पिक्सल्स, इन सब में इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों होती है? इनमें भी तो 12 मेगापिक्सल्स का ही कैमरा होता है। तो दोस्तों, इन फ्लैगशिप फ़ोन्स के इमेज सेंसर का साइज़ और उस इमेज सेंसर में पिक्सल का साइज़ ज़्यादा होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा पिक्सल साइज़ उतना अच्छा वो स्मार्टफोन लाइट इन्फॉर्मेशन और डिटेल को कैप्चर कर पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इमेज क्वालिटी सिर्फ सेंसर साइज़ या पिक्सल साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर और भी फैक्टर्स है, जैसे कि अपर्चर। जितना कम अपर्चर होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट पास हो पाएगी। उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उस इमेज को प्रोसेस करने के लिए कौन सा प्रोसेसर है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो प्रोसेसर कितनी अच्छी तरह से उस इमेज को प्रोसेस करता है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई होप दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मेगापिक्सल से इमेज क्वालिटी में कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।